ठेठड़िया देखण और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। पत्रकारों की एक सभा हुआ है, सभा में मंत्री साहब आए हुए हैं और मंत्री साहब ने पत्रकारों तक एक इसी बात कही जावे, ना दरी जावे ना चकी जावे। मंत्री साहब ने एक बात कही, नु बोला कोई भी अगर पत्रकार आज पत्रकारा ना ब्लैकमेलिंग का सत्र बढ़ा लिया, नु बोला कुछ एक साथी है सिर्फ बिजनेस बना लिया। वो लग गया कुकर, एक चीज आई मेरे समझ में, जड़ तक मैंने देखा आज तक वही सारे जड़ थे वो मैं समझू था। एक चीज थी नुबला, जो अगर कोई हमारे समर्थन में नहीं बोलता उसकी गद्दार घोषित कर दो, उसकी बिकाऊ घोषित कर दो। ये मैं एक मंत्री साहब की पूरी बात सुनाऊंगा, ये एक पत्रकार, लेकिन दुख की बात यह थी पत्रकार सारे देख दे सुन दे रह गए। ये तो पत्रकारिता का एक सतर, उसको मैं गिरना सब तो यूज नहीं करूंगा, कमजोर कहूंगा। कमजोर हुआ है उसको मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए जो भी भाई हमारे कहीं भटके हुए हैं, कहीं भूले हुए हैं, और 100% इसको जिन्होंने व्यवसाय तो देखिएगा आज पत्रकारिता भी हो चुकी है, लेकिन 100% इसको जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक यूटिलाइज जिन्होंने किया है, उनको भी हमें प्रकाश तौर से बता दीजिए। आग्रह करना चाहूंगा कि उनको भी बुलाकर समझाकर उन पर भी एक तो आजादी है, लेकिन ये नहीं कि इतना तथ्य कि आप किसी के भी सम्मान को ठेस पहुंचाएं। आपके पास तथ्य लिखी है, मुझे अच्छा लगता है। अभी कई दिनों पहले भाई ने विष्णु ने लिख रखी थी खबर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। किसी ने दिखाई देखा ना भाई सब इसमें गलत लिख रखी, मैं गलत नहीं लिख रखी, इसने आईना दिखाया, इसने सच बताया, मुझे तकलीफ नहीं होती। हुआ क्या था कि हमने लाइब्रेरियां बढ़वा दी। अब मैं यहाँ मंत्री हूँ, मेरा बोलना शोभा देता, पत्रकार सारे बैठे हैं, उसकी मंत्री साहब ने के अच्छा नहीं लग गया, मंत्री साहब ने अच्छा नहीं लग गया। जितने भी बैठे ने सारे तक यह बात कही है कि नुबला जितना भी होया है नुबला कोई सा पत्रकार नहीं, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपना लिया आज के दौर में पत्रकार ने। मंत्री साहब ने एक बात पूछूंगा, आज तक आपने नु कहा है एक बात और कही है, इन्हें गलत हमने सुनी होगी जो मैं टिकाई दे कि नुबला सबूत के गले पत्रकार खबर दिखा करो। भाई एक बात पूछा मैं मंत्री साहब दे, मंत्री साहब जितना भी आज पत्रकार यूनियन है या कोई भी पत्रकार है, पहली बात तो यह बिना प्रूफ का कोई खबर नहीं लगाता, आपकी नॉलेज खातर बता दू मैं। लेकिन जब आपने कह दिया तो मैं पढ़ी खोलू, आपने कह नहीं सबूत, ये सबूत है वार्ड नंबर 15 और आपका एक चहेता है किते न किते, आपका चहेता ठेकेदार है, आप एक बार सुन लो देख लो इसमें जो ईंट है जो चीज यूज हो है वह चीज देखो एक बारी, या गाड़ बन रही है वार्ड नंबर 15 और 16 गोयल हॉस्पिटल दूर है। तो मैं खुद देखने लग रहे यू मंत्री जी का नजदीक की आदमी है जड़ तक मेरी आंकड़िया में इफ्ता ने इसके काम दिखा दू मैं तमने, इसमें के लग रहा है रोड़ा तो जो थोड़ा पड़िया है पड़िया है, लेकिन उससे बड़ी चीज दिखाई दू तमने के है जो ये होल है ये डुप्लीकेट है सारा सुधा ईटा की जो बात करा इन इनमें ईंट लग रही है प्योर पिल्ले टोरड़े जाकर देखा हो मंत्री साहब नुकोनी सबूत सबूत। मैं अपने रियल में ईमानदार मैच जो आके इंस्पेक्शन लेके दिखा दो जो यू काम हो रहा है इस पे, आपने पूरी में आगे थोड़ी ही ये देख लो पुराने पिल्ले टोरड़े हैं, जो पुराने टोरड़े उन पे गाड़ का स्ट्रक्चर तैयार कर जाने लग रहा है। नु कहो है नु बोला सबूत लियाओ, सबूत बहुत दे लिए, सबूत इतना दे लिए दमकोरा में दिए थे सबूत, आपकी गाड़ा गए आपने टेलीविजन में के गया था, पत्रकार जो सुन गए आपकी ओर बैठ के मैं तो उन्होंने मानो भाई किते ने किते प्री प्लांट बिठाए गए हो सीधी ही बात है, लेकिन ये सबूत सबूत बोला ही वार्ड नंबर 16 की गाड़ है और आपका निजी एमसी बनाने लग रहे प्योर पिल्ले टोरड़े और पुराने टोरड़े ले गए किसी भी ठेका में, ये नहीं है गाल बनाने लग रही है पुराने टोरड़े ले ले गए उसे गाल गए वहां चेप देंगे ना नया पीछे मिल रहे हैं नए, लेकिन ये कड़पे का जमो हमारा समझ में नहीं आती
या मंथली आपका दौरा भी जावे है या नहीं जावे समझ में मारा भी नहीं आने लग रही, क्योंकि जब आप रुके मारो बड़े बड़े स्टेजा पे कहो नुविला भाई गलत ना करो गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन उसका पक्ष है यो गलत होने लग रहा है तो मैं के करा आप खुद बताओ। जी आपने एक आगे की दिखाऊंगा, खुद ठेकेदार गिड़गिड़ाने लग रहा है नुविला भाई मेरा गांव का है, तो भाई गांव का है जेके गलत करेगा गे गलत, चाहे मेरा गांव का हो चाहे बहर का हो ठेकेदार हो गया जद गलत लग रहा है करण ए निरा और भी पाओगी इसमें बहुत सी पिल्ले टोलड़े लगाए गए हैं प्योर हर रुक के मारा है बोलिया मेरा इतना तो ईमानदार आदमी को नहीं तीन पूछो मैं साहब ने भाई साहब एक चीज बता दो आप जो ये बात कही गई है जो इस वीडियो में आपने कहा है अरोड़ा ताड़ी बजाने वाले मैं कहूंगा सबसे नकली बैठे थे जो इसकी इतनी बात सुन ली भाई तामे ना तो बिकाऊ हर आज तक कोई भी पत्रकार हो मैंने बिना तथ्य का खबर नीलांदा देखा बस फर्क इतना रह गया इस वीडियो में मंत्री साहब का पानी को नहीं बिठाया होगा एक ने बिठाया उसका नाम ले दिया लेकिन मैं पूछो इस मंत्री साहब ते एक्शन लेवग आगे एक्शन लेवग आगे तेरे तक प्रूफ भी दे दिया वार्ड नंबर 16 वार्ड 16 वार्ड है टुआना का गोयल हॉस्पिटल दो रहे हिम्मत है ईमानदारी भीतर में ईमानदारी तो ले एक्शन कौन ही लेवे एक्शन मारा वर्गे पत्रकारा पर ले इसका है जो उसका सीधी एक मांगली मारे क्योंकि मामे सच्चाई दिखा वहां एक दमकोरा की तमने दमकोरा की दिवे दराला की पहुंचे मैंने एक खबर विद प्रूफ दिखाई दी तार तक टेलीविजन पर बैठ के भाई साहब एक बात कहो ने नुबला प्री प्लांट है नुबला मेरे को साजिश में फसाने लग रहे हैं ये भी तीनों पूछू मैं एड्डा बड़ा मंत्री इतना बड़ा पद पर बैठा साजिश में थे तो मामला दर्ज कराना था उसे टाइम बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी और पार्टियां ने सबूत गल रैली काटी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सबूत देवा हाँ सबूत देवा खबर का गल है लेकिन एक्शन को नहीं होता क्योंकि किते ने किते मामना जड़े तक मामना दिखा ईमानदारी को नहीं सिर्फ बसना में जुमलिया में ओड़ा ईमानदारी के डिंडोरे पीटे जावा और कुछ नहीं ये भी इति पूछो मैं मंत्री साहब ने 16 तारीख ओ 16 वार्ड एक्शन लेवेगा को नहीं एक्शन लेव जे मानना मानस है लेकिन आज तक भाई साहब ने इकड़िया एक्शन लिया है को नहीं के लेवेगा क्योंकि किते ने किते बड़ा मोटा चढ़ावा चढ़ता है रुके मारा भाई सीधी बात है और पत्रकार खातर मैं कहूंगा जो अग बैठ के ताड़ी बजाने लग रही थी इन बातों पर डूब मरण का लेखा है डूब मरण का लेखा क्योंकि तारा शामी आप भगवान मना थर तम ने गली के कीड़े गंदे बिकाऊ प्रेनी के कह गया एक टूर के नाम कड़ागा कश्मीर के यही देंदे हुए तमने और इससे ज्यादा कुछ नहीं देंदा लेकिन डूब मरण का लेखा है पूछो ना या इब्जो नहीं दिखाई गाड़ी इंस्पेक्शन ले हुआ आगे 2-4 दिन में एक मामला और लाऊंगा जो इसकी जड़े पैड़े का बगैर देगा ईशा वो भी दिखाऊंगा भाई कहना बहुत बड़ी बात है उसका पक्ष है जिस सही आदमी होंदे होंदे भी सुनो नहीं था मैं अपने ऐड लग गया रहा बात और अपने भगवान नहीं रह जाता मंत्री साहब मंत्री हो गए कोई बात नहीं लेकिन गलत किसी ने कहूँ मैं कहूंगा उन पत्रकारों ने जितने बैठे थे उन्हें मामला भी दर्ज करवाना चाहिए जो रियल मैं पत्रकार है अगर है बिकाऊ मीडिया बोल दें या किसी की गोदी में खेलने वाली मीडिया फिर ना कराइयो लेकिन जो इनके बोल है इन पर मामला दर्ज बनता है पूरा हरियाणा की पत्रकार एसोसिएशन इकट्ठी हो गए करान का क्योंकि बरिया मंच पर कहने लग रहा है पत्रकार बिना प्रूफ के वो दिखाते हैं खबरें इवन तो एक बात पूछने वाला हो गए पानी मारा वे अच्छे बिठाने लग जा वे प्रूफ हो जाएंगे ये गाल दिखने लग रही जो लेटेस्ट बनने लग रही है प्रूफ को नहीं बाकी एक पीछे पहला लग रहे हैं टेंडर को नहीं होया है वो और मैं दिखाऊंगा बता दियो एक छप्पड़ बनाए रखे टुआना में थोड़े हे डट जो सारा सौदा आवेगा के रैली कढ़ा रखे के काम करे हैं
तो जितना उसके वीडियो ने शेयर कर दिया उन्होंने कहा कहीं ईमानदारी नहीं है, अगर देखो उनमें हरा ईमानदारी। जय जवान जय किसान।